पिछले वीडियो में हमने इंटीजर्स के कुछ कंसेप्ट्स किए थे, तो आज हम उसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं जिससे कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, अब हम देखते हैं उसका सॉल्यूशन। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, नंबर लाइन पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है अलग अलग प्लेसेस का, और उसी के ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चंस हैं और इनको हमें आंसर करना है बेस्ड ऑन दिस नंबर लाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनको मार्क कर लेते हैं नंबर लाइन पे। तो देखिए, लाहौल स्पीति से स्टार्ट करते हैं। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या है, 0 से इधर जाएंगे तो ये देखिए ये -5 है, और ये -6, ये -7, और ये हुआ -8। तो लाहौल स्पीति का हमारा टेम्परेचर क्या हुआ, -8। लाहौल स्पीति से स्टार्ट करते हैं, तो ये देखिए ये है -5 से 6, -6, -7 और ये -8 पर, तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर होता है -8। उसी तरह से श्रीनगर का अगर हम देखेंगे तो श्रीनगर 0 से 2 पॉइंट्स पीछे है तो -2, और उसी तरह शिमला 5 पर ही है तो 5, और ऊटी होगा हमारा 15 से 1 कम 14 पे, और बेंगलोर है 21 और ये 22। तो हमारे पास 5 प्लेसेस का टेम्परेचर जो है आ गया है। अब हम इसे सॉल्यूशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो जो टेम्परेचर्स आए थे उनको सॉल्यूशन के फॉर्म में लिख लिया है। लाहौल स्पीति -8, श्रीनगर -2, शिमला 5, ऊटी 14 एंड बेंगलोर 22। इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है पूरा हो जाता है। और इन सब के पीछे डिग्री सेल्सियस लगाना ना भूलिए, क्योंकि इस नंबर सिर्फ इतनी छोटी सी गलती से भी कभी कभी आधा नंबर कट जाता है। क्योंकि अगर आप इसे सिर्फ -8 या -2 लिख के छोड़ दोगे तो वो आपका वैलिड आंसर नहीं माना जाएगा। हमें यूनिट दिया गया है डिग्री सेल्सियस का, तो वो हमें हर एक वैल्यू के साथ लिखना होगा। इवन इस पार्ट में नहीं, आगे वाले पार्ट्स में भी जो भी हम सॉल्व करेंगे उनके पीछे डिग्री सेल्सियस ज़रूर लिखना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट बी। इसमें ये हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि हॉटेस्ट प्लेसेस और कोल्डेस्ट प्लेसेस हैं कौन से। तो हॉटेस्ट प्लेसेस वो होंगे जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, और कोल्डेस्ट वो होगा जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हॉटेस्ट प्लेस इज, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका था, बेंगलोर का था। तो हॉटेस्ट प्लेस इज, और उसका टेम्परेचर है 22। तो अब हम एंड लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 22 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, कोल्डेस्ट प्लेस इज लाहौल स्पीति, एंड टेम्परेचर क्या है, -8। तो अब हमें इनका डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस निकालने के लिए हमें इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो 22 -8, क्योंकि 8 पहले से ही माइनस का है। अब जो रूल्स हमने पहले किए थे वो हमारे यहाँ पे काम आ रहे हैं। तो आपको पता ही है 2 माइनस माइनस मतलब प्लस, तो 22 प्लस 8 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। आंसर 30 डिग्री सेल्सियस पार्ट बी का। अब बढ़ते हैं
पार्ट सी क्यूर। दोस्तों इसमें हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर टेम्परेचर, तो इनके टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस हमें बताना है। तो ऊपर हम देख चुके हैं कि लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का है -2, तो हमें इन दोनों को माइनस करना होगा तभी हमारे पास उसका डिफरेंस आएगा। तो ये हमने मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख ली हैं और इनका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस के लिए -2 -8 करना होगा। तो जब मैं -2 -8 करूँगी तो ये होगा 2 माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे और ये -2 + 8 और ये हो जाएगा हमारा 6 डिग्री सेल्सियस, हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट डी, पार्ट डी में ये हमसे क्या पूछ रहा है कि कैन वी से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज़ लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, मतलब कि श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को अगर मिला दिया जाए तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को पहले ऐड करना पड़ेगा, जबकि श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 और शिमला का है +5, तो अगर हम इनको टेकन टुगेदर करेंगे तो ये हमारे पास -2 + 5 यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। अब अगली चीज़ उसने क्या पूछी है, शिमला के टेम्परेचर से हमें उसे कंपेयर करना है जबकि शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियसली ये उससे कम है, तो यस श्रीनगर एंड शिमला का टेम्परेचर अगर टुगेदर भी ले लिया जाए तो शिमला से कम है। कह रहा है कि उसके बाद ये कह रहा है कि क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है, तो हम चलते हैं श्रीनगर के टेम्परेचर पे, तो वो है हमारे पास -3 डिग्री सेल्सियस, सॉरी श्रीनगर का टेम्परेचर है -2। तो अब ये हम देखते हैं इनको कंपेयर करके, तो हमारा श्रीनगर और शिमला का टुगेदर आया था +3 लेकिन श्रीनगर का अकेला है -2, तो आंसर होगा हमारा नो। सो अब आता है हमारे पास क्वेश्चन 2, जिसमें वो ये कह रहा है कि किसी क्विज के अंदर जैक के मार्क्स जो हैं वो इस तरह से हैं 25, -5, -10, 15 एंड 10, तो हमें उसके टोटल मार्क्स बताने हैं कि क्या होंगे, कि प्लस मार्क्स के लिए उसे पॉजिटिव मार्क्स मिले और नेगेटिव मार्क्स के लिए उसे माइनस में मार्क्स मिले, तो हमें ये बताना है कि उसका टोटल क्या होगा। तो टोटल निकालने के लिए जितने भी हमें मार्क्स दिए गए हैं हमें उन सबको ऐड करना होगा, यानी कि ये जो हमने इस स्टेप में शो किया है, तो 25 + -5 + -10 + 15 और + 10, तो ये सारे ऐड होंगे, ऐड होने के बाद प्लस माइनस ये दोनों बाहर आ जाएंगे और ये पहले से ही प्लस के थे, तो ये आता है हमारा सेकंड स्टेप। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो जो एडिशन वाले हैं यानी कि 25, 15 और 10 उनको हम एक ग्रुप में रख लेंगे और उन्हें ऐड कर लेंगे, और जो माइनस वाले हैं जैसे कि -5 और -10 उन्हें हम अलग से ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस वाले हैं तो ये आपस में ऐड होंगे और ये प्लस वाले हैं तो ये आपस में ऐड होंगे। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास जो आया है आंसर वो है 50 और इसका 15, तो 50 - 15 हमारा आंसर बनता है 35। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस था और ट्यूसडे को वो 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो अब हमें बताना है कि ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर क्या था। तो हम इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करेंगे कि टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे ऑन -5 एंड ड्रॉप ऑन ट्यूसडे 2, तो जितना भी ड्रॉप हुआ है उसे हमें उसमें से माइनस करना होगा, तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे हो जाएगा -5 - 2, तो -5 और -2 दोनों माइनस के हैं तो आपस में प्लस होंगे यानी कि 5 + 2 = 7 और साइन जो है वो माइनस करेगा यानी कि -7। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों जो हमने पिछले वीडियो के अंदर कंसेप्ट बताए थे सारे क्वेश्चंस उसी से सॉल्व हो रहे हैं, तो अगर आपने पिछले वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगला पार्ट देखते हैं, इसके बाद ये कह रहा है कि वेडनेसडे को उसका टेम्परेचर जो था वो 4 डिग्री सेल्सियस राइज हो गया यानी कि बढ़ गया,
तो अब हमें ये बताना है कि वेडनेसडे को उसका टेम्परेचर क्या था। तो वेरी सिंपल है, -7 डिग्री सेल्सियस ट्यूसडे को टेम्परेचर है जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, और राइस कितना है 4 डिग्री सेल्सियस। अब राइस का मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐड हुआ है, तो ऐड हुआ है तो हमें उसमें ऐड ही करना होगा। तो -7 प्लस 4, यहाँ पे एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो एक माइनस का एक प्लस का है, तो हमें उन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 7 और 4 माइनस होंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि 7 बिगर है और 7 के आगे माइनस का साइन है, इसीलिए साइन जो है हमारा माइनस करेगा, तो हमारा आंसर हो गया -3 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि एक प्लेन जो है 5000 मीटर अबव द सी लेवल से ऊपर 5000 मीटर जो है उड़ रहा है, और उसके पॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली अबव, बिल्कुल उसके ऊपर जो है एक सबमरीन फ्लोट कर रही है जो कि 1200 मीटर बिलो है सी लेवल से। मतलब कि अगर ये हमारा सी लेवल है तो हमारा प्लेन कहीं यहाँ पर ऊपर है और हमारी सबमरीन जो है वो यहाँ पर है नीचे। तो इसका मतलब क्या है कि व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो वो ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ कि ये कितनी दूरी पर हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे कैसे लिखेंगे कि प्लेन की हाइट क्या है। प्लेन की हाइट होगी 5000 मीटर, ठीक है, और सबमरीन की हाइट क्या होगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि सबमरीन की हाइट जो है माइनस में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो सी लेवल से ऊपर नहीं बल्कि नीचे है, तो इसका मतलब माइनस में हो गया, तो -1200। तो अब अगर हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस करना है तो जितनी भी हाइट होती है हाइट को आपस में माइनस करना पड़ता है, तो 5000 में से हम माइनस करेंगे -1200 को, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो हम दोनों को ऐड करेंगे, तो 5000 प्लस 1200, 6200 मीटर्स हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें ये कह रहा है कि मोहन ने अपने बैंक अकाउंट में ₹2000 डिपॉजिट कराए, और उसके बाद उसने ₹1642 उसमें से विड्रॉ करवाए। तो अब वो ये कह रहा है कि अगर आप विड्रॉल अमाउंट को एक नेगेटिव इंटीजर से शो करते हो, मतलब कि जो मैंने विड्रॉ किया है उसे मैं माइनस का नंबर मान लूँ, तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो फिर जो आपने डिपॉजिट कराया है उसे किससे करोगे। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हम डिपॉजिट कराते हैं वो ऐड होते हैं हमारे अकाउंट में, और जो विड्रॉ कराते हैं वो माइनस होते हैं। तो अगर विड्रॉल वाला माइनस में है तो ऑब्वियसली हम पॉजिटिव इंटीजर से अमाउंट डिपॉजिटेड को शो करेंगे, यानी कि 2000 हो गया प्लस का और 1642 हो गया माइनस का। ये था हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। अब उससे नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड द बैलेंस इन मोहनस अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, कि विड्रॉल के बाद मोहन के अकाउंट में कितना बैलेंस होगा। तो उसके लिए हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 2000 प्लस -1642, क्योंकि 1642 को हमें माइनस का, कि हमने इतने माइनस वाले डिपॉजिट कराए हैं तो इस हिसाब से लिया है, तो दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब क्या है कि प्लस माइनस करेंगे, तो माइनस होगा, तो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ₹358। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे ये कह रहे हैं कि रीटा जो है वो 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती है टुवर्ड्स पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए, कोई पॉइंट ए है वहाँ से रीटा 20 किलोमीटर जो है ईस्ट की तरफ गई है। तो अगर हम इसको ये कंसीडर कर लें कि ये है हमारा पॉइंट ए और ये ईस्ट की तरफ रीटा अभी इस वक्त यहाँ पर है, उसके बाद वो ये कहता है कि उसके बाद रीटा हमारी 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गई है अलॉन्ग द सेम रोड। इफ़ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई पॉजिटिव इंटीजर, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट। मतलब कि उसके बाद वो उस पॉइंट से वापस 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गई। अब ईस्ट और वेस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर सेम रोड पर जाएगी तो स्ट्रेट लाइन में दूसरी डायरेक्शन में जाएगी। तो अब वो ये कह रहा है कि ईस्ट वाले को आपने प्लस के नंबर से शो करना है, जो कि हमने यहाँ पे +20 किलोमीटर से शो कर दिया। तो वो ये कह रहा है कि अब आप ये बताओ कि वेस्ट वाले को आप कैसे नंबर से शो करोगे। तो ऑब्वियसली अगर ईस्ट वाला प्लस का है तो वेस्ट वाला नेगेटिव इंटीजर से शो होगा,
ये था हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद क्या पूछ रहा है, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए। अब कह रहा है ए से उसके फाइनल पोजिशन को आप कैसे इंटीजर से शो करोगे। उसके लिए हमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब कि ईस्ट की तरफ डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, वेस्ट की तरफ है -30 किलोमीटर, तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी ए की तरफ +20 और -30, तो ये हो गया -10 जो कि एक नेगेटिव नंबर है। तो हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी यही आएगा कि नेगेटिव नंबर। सो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उसमें ये हमसे पूछ रहा है कि एक मैजिक स्क्वायर में ईच रो कॉलम एंड डायगनल का सम जो है वो सेम होता है। तो हमें ये चेक करना है कि जो स्क्वायर्स हमें दिए गए हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट में वो मैजिक स्क्वायर्स हैं या नहीं है। मतलब ये कि हमें हर एक रो कॉलम और डायगनल के जितने भी नंबर्स दिए हैं उनको इंडिविजुअली चेक करना होगा कि उनका जो सम है वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि रो कॉलम और डायगनल का मतलब क्या है। ये देखिए, जैसे कि ये हमारा स्क्वायर है और इसके अंदर छोटे छोटे 9 स्क्वायर्स हैं, तो ये हमारी रोज़ होती हैं जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हैं, इस डायरेक्शन में हैं, और ये हमारे होते हैं कॉलम्स यानी कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में हैं ऊपर से नीचे इस डायरेक्शन में। तो इस हिसाब से हमारे पास 3 रोज़ बनती हैं, R1, R2, R3, और 3 ही कॉलम्स बनते हैं, C1, C2 और C3। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास डायगनल्स, जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो फ्रेंड्स, डायगनल्स वो होते हैं जो हमें इस डायरेक्शन में, मतलब कि इसको हमें ऐसे क्रॉस करना पड़ता है, इसे डायगनल क्रॉस करना बोलते हैं। तो ये D1 और ये D2, हमारे पास 2 डायगनल्स होते हैं। तो अब हमें इसी डायरेक्शन में नंबर्स को लेते हुए उसका सम चेक करना है, और मैजिक स्क्वायर की कंडीशन के अकॉर्डिंग सारे सबका सम D1, D2, R1, R2, R3, C1, C2, C3, इन सब का सम जो है इक्वल होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 7th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से। सब चेक करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारा R1 के अंदर क्या है, 5, -1 और -4, तो इन तीनों को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद +1 और माइनस माइनस हो जाएगा, और +4 और माइनस माइनस, तो 5, -1, -4। तो अब हमारे पास क्या बचा, -1 और -4। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम माइनस वालों को अलग से ऐड कर लेंगे और उनके आगे साइन लगा देंगे माइनस का। तो -1 + 4, तो 5 - 1 + 4 5 हो जाएगा, तो 5 - 5 0। इसी तरह से अब चलेंगे R2 यानी कि रो 2 की तरफ। रो 2 में क्या है हमारे पास, 5, -2 और 7, तो इन तीनों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो सेम उसी तरह से माइनस माइनस वाले ऐड हो जाएंगे और उनके आगे साइन लगेगा माइनस का, तो -5 - 5 + 2 यानी कि -7 हो जाएगा, और प्लस का 7 हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इसका सम हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे इन दोनों का रिजल्ट अब तक सेम आ चुका है। अगर सबका सेम आ गया तो हम इसे मैजिक स्क्वायर कह सकेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी रो 3 यानी कि ये वाली रो। तो इसमें हमारे पास क्या है, 0, 3 और -3। तो 0, 3 और -3, 3 - 3 0, 0 is already 0, तो ये भी हमारे पास 0 आ गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं column 1। column 1 का मतलब क्या है, अब हमें वर्टिकली देखना होगा। तो वर्टिकली में हमारे पास यहाँ पे क्या है, 5 है -5 है और ये 0 है, तो 5 + -5 यानी कि 5 - 5, तो ये भी हो गया 0। अब आता है हमारे पास column 2। column 2 यानी कि -1, -2 और +3, तो -1 + -2 और +3, तो -1, -2, +3, -1 और -2 सेम उसी तरह से ऐड होंगे, तो माइनस का 3 हो जाएगा और साथ में +3, तो ये भी हुआ हमारे पास 0। अब नेक्स्ट आता है column 3 यानी कि ये वाला कॉलम।
इसके अंदर हमारे पास क्या है, माइनस फोर प्लस सेवन और माइनस थ्री, इनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो माइनस फोर प्लस सेवन क्या हो जाएगा, एक तरह से सेवन माइनस फोर है ये, तो इसको हम थ्री लिखेंगे। तो थ्री और प्लस माइनस थ्री यानी कि माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। अब चलते हैं डायगनल्स की तरफ। तो हमारे सारे रोज और सारे कॉलम्स का सम अब तक ज़ीरो आ चुका है। अब अगर डायगनल्स का सम भी ज़ीरो आ जाता है तो मैजिक स्क्वायर बन जाएगा। तो डायगनल्स क्या है हमारे पास, फाइव, यानी कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था कि इधर से जाना है। तो फाइव माइनस टू और माइनस थ्री, तो फाइव प्लस माइनस टू माइनस थ्री क्या हुआ, फाइव प्लस माइनस थ्री यानी कि प्लस माइनस 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 टू और ये माइनस थ्री। अब टू और थ्री को आपको ऐड करके आगे, अब फाइव माइनस टू क्या होता है, फाइव माइनस टू होता है थ्री और माइनस थ्री हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये भी क्या हुआ, ज़ीरो। अब उससे अगला क्या है, ये वाला डायगनल। इस वाले डायगनल के अंदर हमारे पास क्या है, ये देखिए, इस वाले डायगनल में है हमारे पास ज़ीरो माइनस टू और माइनस फोर। अब इनको जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ज़ीरो प्लस माइनस टू और माइनस फोर ऐड हो जाएंगे, तो माइनस टू और माइनस फोर होता है माइनस सिक्स। अब ये हमारे पास जो माइनस सिक्स आया है, ये हमारे पास अलग केस हो गया, मतलब कि ये ज़ीरो नहीं आया, तो इसलिए ये हमारा मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज़ नॉट अ मैजिक स्क्वायर। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, सेवन्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डन, इट इज़ नॉट अ मैजिक स्क्वायर। अब इससे नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर टू। तो ये देखते हैं पार्ट टू एक मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। तो आर वन से शुरू करते हैं, रो वन। रो वन में हमारे पास है वन माइनस टेन और ज़ीरो, इनको हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। तो माइनस वन सॉरी प्लस वन प्लस माइनस टेन प्लस ज़ीरो, तो प्लस माइनस टेन हुआ माइनस टेन, और वन माइनस टेन में से टेन में से वन माइनस करेंगे और बिगर वन हमारा है टेन और उसके आगे है हमारा माइनस, तो इसीलिए किसका साइन लगेगा, टेन का साइन लगेगा यानी कि माइनस का साइन, तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे माइनस नाइन। अब बढ़ते हैं आर टू की तरफ, यानी कि हमारी रो टू। रो टू में हमारे पास है माइनस फोर माइनस थ्री और माइनस टू, तो इनको हमने यहाँ मेंशन किया है और माइनस फोर प्लस इन सबको ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इन सब का साइन हो जाएगा माइनस का। तो माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू, तो माइनस का होने की वजह से ये सारे आपस में ऐड होंगे और साइन रहेगा माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस नाइन। अब जाते हैं आर थ्री, रो थ्री की तरफ, यानी कि माइनस सिक्स प्लस फोर और माइनस सेवन, तो माइनस सिक्स प्लस फोर माइनस सेवन ये हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। तो इसमें हमारे पास माइनस सिक्स प्लस टू माइनस टू, क्यों, क्योंकि सिक्स में से फोर माइनस करेंगे अलग साइन होने की वजह से, और सिक्स बड़ा है तो सिक्स का साइन रहेगा माइनस का, और प्लस माइनस सेवन यानी कि माइनस सेवन, तो अब ये दोनों हमारे पास माइनस में आ गए, तो दोनों माइनस में आ गया तो इनको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो नाइन आएगा और आगे साइन रहेगा माइनस का। आई होप कि आपको अब तक सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि कैसे प्लस और माइनस किया जाता है। सारे रूल्स वही हैं जो फर्स्ट वीडियो में बताए थे, यहाँ पर बस उसका एप्लीकेशन है, लेकिन मैं अभी भी स्टेप वाइज समझा रही हूँ ताकि फिर भी कोई भी डाउट ना रहे। अब बढ़ते हैं कॉलम वन की तरफ। कॉलम वन में हमारे पास क्या है, कॉलम वन है माइनस वन माइनस फोर और माइनस सिक्स, तो इनको हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया, और प्लस माइनस फोर होगा माइनस फोर और प्लस माइनस सिक्स होगा माइनस सिक्स, तो माइनस फोर और माइनस सिक्स को ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस टेन, क्योंकि फोर और सिक्स टेन और साइन माइनस का,
अब 1 माइनस 10 यानी कि 10 में से 1 माइनस होगा तो 9 आ गया, और साइन किसका रहेगा, 10 का, क्योंकि 10 के आगे माइनस है तो ये माइनस का 9 बनेगा। अब जाते हैं कॉलम 2 पे। कॉलम 2 में है -10, -3, +4। -10 +-3 और +4। अब प्लस माइनस का क्या मतलब है, प्लस माइनस है तो वो माइनस ही होके बाहर आएगा, तो -10 -3 +4। अब दोनों माइनस क्या, तो इन दोनों माइनस वालों को ऐड कर लेंगे तो -13 हो जाएगा, +4 ऐसे कैसे। तो देखिए, अब 13 और 4 दोनों का साइन अलग है, तो 13 -4 करना पड़ेगा। 13 -4 होगा 9, और 13 का साइन माइनस का तो -9। कॉलम 3, 0 -2 -7। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं ये सारे क्वेश्चंस, तो आप वीडियो को बीच में पॉज कर सकते हैं और खुद से ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको कंसेप्ट समझ भी आ जाएगा। तो कॉलम 3 के अंदर है हमारे पास 0 -2 -7। इन सबको ऐड करके हमने यहाँ पे लिख लिया है, तो प्लस माइनस -2, 0 0 और ये -7। तो -2 और -7 दोनों सेम साइन के हैं और माइनस के हैं, तो माइनस करके और इनको ऐड करेंगे तो ये भी आ गया हमारे पास -9। अब बढ़ते हैं हम डायगनल्स की तरफ। डायगनल्स में हमारे पास फर्स्ट डायगनल क्या है इस डायरेक्शन में, पहला है +1, अगला है -3 और ये है -7। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन किए, +1, +-3 और +-7। तो +-3 हुआ -3, और +-7 हुआ -7, और अब माइनस माइनस वालों को ऐड करेंगे तो 7 और 3 हुआ 10, और उसके आगे साइन माइनस का, तो 1 माइनस 10 9, और साइन 10 का लगेगा तो -9। अब D2 देखते हैं। D2 में है हमारे पास 0 -3 और -6। तो 6 -6 +-3 और +0। अब 6 -6 और -3 हो जाएगा, क्योंकि +-3 यानी कि -3। तो 6 और 3 हुआ 9, और साइन हुआ हमारे पास 9, -9 का। तो अब देखिए व्हेन फ्रेंड्स, बिंगो, सबका सम क्या आया है, -9। इसका इसका रो सारी रोज का, सारे कॉलम्स का और सारे डायगनल्स का एक ही सम आया है, और वो है -9। तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं कि यस, इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर। तो ये होता है हमारा सेकंड पार्ट भी ओवर डन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें वेरीफाई करना है कि ए माइनस माइनस बी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, ये वैलिड है इन चारों वैल्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, ए माइनस माइनस बी का मतलब क्या होता है कि आप ए में से कुछ माइनस कर रहे हो बी को। तो जब भी कोई हम चीज़ माइनस करते हैं तो हमें अगली वाली वैल्यू का एडिटिव इन्वर्स निकालना पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, तो 21 माइनस -18 है, तो मुझे 21 के अंदर प्लस करना होगा 8 -18 का एडिटिव इन्वर्स। तो -18 का एडिटिव इन्वर्स 18 होता है, तो मुझे 21 के अंदर 18 प्लस करना होगा। तो अब 21 + 18 क्या है, इसके हिसाब से ए प्लस बी है। अगर ये ए माइनस माइनस बी है तो ये ए प्लस बी है, तो यही हमें प्रूव करना था। तो हेंस ये हमारा प्रूव हो चुका है, तो वेरीफाइड। बाकी के जो तीनों पार्ट्स हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये भी इसी तरह से ही सॉल्व होंगे, सिर्फ नंबर चेंज हो जाएंगे। 21 की जगह पे 118 और 18 की जगह पे 125। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन डन है। अगर आपसे किसी दूसरे किसी पार्ट में कोई इशू आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें ये बताना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड वालों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है या कौन सा इक्वल है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम उसके बीच में ये लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू का साइन मेंशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है,
लेफ्ट हैंड साइड में है माइनस एट प्लस माइनस फोर, माइनस एट प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस एट माइनस फोर बन जाएगा जो कि है हमारे पास माइनस ट्वेल्व, क्योंकि एट और फोर ऐड होंगे, एट और फोर ऐड होके ट्वेल्व बनाएंगे और ट्वेल्व का साइन होगा माइनस का। अब देखते हैं कि राइट हैंड साइड का क्या वैल्यू आएगा। राइट हैंड साइड पे है हमारे पास माइनस एट और माइनस माइनस फोर। अब माइनस 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 फोर क्या होते हैं, सॉरी माइनस माइनस फोर क्या होगा, प्लस फोर जो कि हमने यहाँ मेंशन किया है, तो माइनस एट प्लस माइनस फोर दोनों का साइन अलग हो गया तो उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो कि देगा फोर, और फोर का साइन क्या रहेगा, फोर का साइन रहेगा एट वाला यानी कि माइनस का। तो अब हम इनको कंपेयर करेंगे क्योंकि दोस्तों माइनस के अंदर जो हमारी वैल्यू होती है वो जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकली बड़ी होती है एक्चुअल में वो उतनी ही छोटी होती है। तो वैसे तो 12 बड़ा होता है 4 से, लेकिन क्योंकि ये माइनस का है इसीलिए 12 माइनस 12 जो है वो छोटा होगा माइनस 4 से। तो हम यहाँ पे लेस देन का साइन फिलअप करेंगे, ठीक है। अब बात आती है पार्ट टू की, पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर हमें दिया है माइनस 3 प्लस 7 माइनस 19। तो LHS को सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 प्लस 7 माइनस 19। अब 7 और माइनस 19 को सॉल्व करने से दोनों का साइन अलग है, सब्ट्रैक्ट होंगे, 12 आएगा और 12 का साइन रहेगा माइनस का। तो माइनस 12 और स्टार्टिंग में माइनस 3, तो माइनस माइनस मिलके एडिशन करवाएंगे लेकिन साइन रहेगा माइनस का। तो इसका आंसर आएगा 15 माइनस 15। ये हो गया LHS। अब देखते हैं RHS में क्या है हमारे पास। RHS में है 15 माइनस 8 प्लस माइनस 9। अब प्लस माइनस 9 क्या हो गया, माइनस 9। तो हम इसको ऐसे ओपन करके लिख लेंगे तो 15 माइनस 8 माइनस 9 हुआ। अब 8 और 9 का साइन जो है वो सेम है, 8 और 9 का साइन सेम है तो वो ऐड होंगे, 17 होंगे और 17 का साइन क्या रहेगा, माइनस का। माइनस का क्यों, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। तो 15 माइनस 17 हुआ हमारा माइनस 2। क्यों, क्योंकि 15 प्लस का है 17 माइनस का है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन क्या रहेगा, 17 का, क्योंकि 17 बड़ा है तो माइनस 2। अब देखते हैं 15 और 2 में से सेम वही कंसेप्ट है, जैसे 12 छोटा था 4 से माइनस का होने की वजह से, उसी तरह से माइनस 15 भी छोटा है माइनस 2 से। तो यहाँ पे भी हम लेस देन का साइन फिलअप करेंगे। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, 23 माइनस 41 प्लस 11। इसमें ब्रैकेट्स ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्रैकेट्स दे ही नहीं रखी हैं। तो LHS को लिखेंगे 23। अब ये देखिए ये माइनस 41 प्लस 11, इनको आपस में सॉल्व कर लिया तो माइनस और प्लस सब्ट्रैक्ट हुए, 30 आया और 30 का साइन रह गया माइनस का। तो 23 में से हमें 30 माइनस करना पड़ेगा, 23 में से 30 माइनस करेगा फिर से साइन अलग है तो 7 आएगा और साइन रहेगा 30 का, तो माइनस 7। LHS को सॉल्व करके आया माइनस 7। राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड में है 23 माइनस 41 माइनस 11। अब माइनस माइनस आपस में ऐड हो गए तो आपस में ऐड हो गए 52 आ गया, 52 का साइन है माइनस का। तो 23 माइनस 52, इनको अब इन दोनों को आपस में माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 23 के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 23 प्लस का है। तो 23 माइनस 52 हुआ आपका माइनस 29, और माइनस 29 माइनस 7 से छोटा है तो माइनस 7 ग्रेटर देन हो गया माइनस 29, तो यहाँ पे साइन आएगा ग्रेटर देन का। अब आया पार्ट डी, पार्ट डी में हमें बोल रहा है 39 प्लस माइनस 24, प्लस माइनस 24 यानी कि माइनस 24, और माइनस 15 तो माइनस 15 क्योंकि कोई भी साइन नहीं है, तो माइनस जो अगर बाहर होता है तो वो साइन को चेंज कर देता है, तो अगर ये प्लस का था या कुछ नहीं था तो अंदर जो है तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। तो 39 माइनस 24 माइनस 15, तो 24 और 15 दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे और माइनस 41 हो जाएगा। 39 माइनस 41 हुआ माइनस 2, क्यों, क्योंकि 39 माइनस 41 अलग अलग साइन के हैं तो इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और 41 बड़ा है इसीलिए माइनस का साइन। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं,
राइट हैंड साइड में है 36 और ये प्लस माइनस 52, प्लस माइनस 52 यानी कि माइनस का 52 और माइनस का 52, माइनस माइनस 36 यानी कि प्लस 36। देखिएगा दोस्तों, कंसेप्ट सारे वही हैं। अगर आपने एक बार कंसेप्ट को समझ लिया ना, आप सारे क्वेश्चंस बहुत ही आराम से खुद ही कर लोगे। हर एक स्टेप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेकिन फिर भी मैं हर चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को तुरंत ओपन करके उसे समझ पाएँ कि यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगा है। तो यहाँ पे देखिए, ये है माइनस 52 और ये है माइनस माइनस 36 यानी कि प्लस 36। तो 36 माइनस 52 प्लस 36। अब प्लस वाले को मैं अलग से ऐड कर रही हूँ, 36 और 36 इन दोनों को ऐड किया तो आया 72 और ये माइनस 52 ऐसे का ऐसे मैंने लिखा है दोबारा से। तो अब 72 माइनस 52 नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है, 72 में से 52 माइनस होते हैं तो ये तो नॉर्मल बच्चा आपसे छोटा भी कर लेगा कि 72 माइनस 52 इज़ 20। तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन 20। अब 20 जो है किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा है, चाहे कितना भी बड़ा होता, और 20 वैसे भी 2 से बड़ा ही होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2 इज़ लेस देन 20। चलिए अब करते हैं पार्ट ई। पार्ट ई में हमें क्या बोल रहा है, माइनस 231 प्लस 79 प्लस 51। बड़े नंबर्स देख के डर नहीं जाना है, क्योंकि कंसेप्ट जो है वो सेम ही रहेगा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, माइनस प्लस के रूल्स सेम ही रहते हैं। तो ये देखिए, माइनस 231 प्लस 79 प्लस 51, 79 प्लस 51 नॉर्मल एडिशन है, इसको हम ऐड करेंगे तो 130 आएगा। और ये क्या है, माइनस 231, माइनस 231 माइनस का है और ये प्लस का है, तो हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि साइन अलग हो गए। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 101 और साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का। बड़े वाला कौन है, 231, तो 231 के आगे माइनस, तो हमारे पास आ गया माइनस 101। अब देखिए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के अंदर है माइनस 399 प्लस 159 और प्लस 81। अब माइनस 399 और इन दोनों को हमने नॉर्मली ऐड कर लिया, नॉर्मल ऐड करेंगे तो 240, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होने के बाद माइनस 399 प्लस 240 सेम वही सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया 159, लेकिन 159 रहेगा यस माइनस का। क्यों, क्योंकि 399 हमारे पास माइनस का है और 399 बड़ा है, तो इसलिए हमें इसे माइनस का करना पड़ेगा। तो अब इन कंसेप्ट से आपने इसको सॉल्व कर लिया, अब आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब इस लास्ट क्वेश्चन का साइन मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसे आप खुद अपने आप सॉल्व कीजिए और अपनी एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस मुझे चेक कीजिए कि ये सही है या गलत है। अगर आपको ना समझ में आए तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हो, वैसे मैं सारा यहाँ पे कर ही चुकी हूँ, बस आपको लेस देन और ग्रेटर देन या इक्वल में से जो भी साइन आएगा बस वो यहाँ पे फिल करना है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसमें एक मॉन्की है हमारे पास, और मॉन्की क्या कर रहा है, मॉन्की बार बार जंप्स लगा रहा है। मॉन्की हमारे पास किसी वेल के स्टेप्स पर है, यानी कि वो स्टेप 1 पर है और उसे स्टेप 9 तक जाना पड़ेगा ताकि वो यहाँ पर जो वाटर पड़ा हुआ है उसे पी सके। तो उसके लिए, लेकिन क्योंकि मॉन्की है तो कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है, तो वो क्या करता है नीचे जाने के लिए, पहले 3 स्टेप्स आगे जंप करता है प्लस 3 और उसके बाद 2 स्टेप्स वापस उल्टा जंप कर लेता है। तो अब हमें ये बताना है कि कितने स्टेप्स में वो 9 स्टेप तक पहुंच पाएगा और जो है अपनी पानी जो है वहाँ से वेल से पी सकेगा। तो इसके लिए देखिए, हमने इसको यहाँ पे मार्क कर लिया है कि कैसे वो जा सकता है 9 स्टेप तक। तो देखिए, फर्स्ट पहले स्टेप में क्या करेगा, 1 से आएगा 4 पे, ठीक है, लेकिन
अगले स्टेप में वापस जा रहा है, तो 4 से चला जाएगा वापस 2 पे। तो ये हमारे हो गए 2 स्टेप्स। उससे आगे देखिए, उससे आगे अब वो सेकंड स्टेप पर है, सेकंड स्टेप से आगे फिर से +3 जाएगा तो पहुंच जाएगा फिफ्थ वाले पे। अब फिफ्थ वाले से वापस उल्टा जाएगा 2 स्टेप्स, तो 2 स्टेप्स वापस जाएगा तो थर्ड पे आ जाएगा। तो 2 स्टेप्स हमारे यहाँ पे भी काउंट हो गए। अब थर्ड वाले से जाएगा सिक्स्थ पे, और सिक्स्थ से वापस फोर्थ पे, सिक्स्थ से फोर्थ पे 2 स्टेप्स यहाँ के काउंट हो गए। अब फोर्थ से जाएगा सेवन्थ पे, और सेवन्थ से वापस जाएगा फिफ्थ पे, तो 2 स्टेप्स उसने और यहाँ ले लिए। अब फिफ्थ से वो जाएगा एट्थ पे, एट्थ पे जाके फिर वापस आएगा सिक्स पे, तो 2 स्टेप्स यहाँ लगे। अब सिक्स्थ से सीधा जंप करेगा नाइन पे, तो अब यहाँ पे आपका डिफरेंस क्या है कि बैक वाला स्टेप नहीं लगेगा क्योंकि एक ही स्टेप में वो नाइन्थ स्टेप पे पहुँच चुका है, अब उसे वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, तो नाइन्थ स्टेप पे पहुँच के वो पानी पी सकता है। तो अब हमारे पास टोटल स्टेप्स कितने हुए, अब इनको आप ऐड करोगे तो देखिए 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1, तो ये 5 टाइम्स 2 आया है प्लस 1 आया है, इनको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 11 जंप्स। 11 जंप्स में वो फर्स्ट से नाइन्थ स्टेप तक पहुंच पाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड में क्या पूछ रहा है। कह रहा है पानी तो पी लिया, अब उसे वापस ऊपर भी जाना है, तो वापस ऊपर जाने के लिए वो क्या करता है, 4 स्टेप्स ऊपर जाता है और फिर उसके बाद 2 स्टेप्स फिर से नीचे आ जाता है। तो अब उसे दोबारा से पहले स्टेप पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हमें ये बताना है। तो देखिए इसके लिए हमारा फिगर कैसा बनेगा। अभी हमारा मंकी है नाइन्थ स्टेप पे, काफ़ी नीचे है, और उसे जाना किस पे है, फर्स्ट पे जाना है। अब +4 जा रहा है और -2 जा रहा है, तो अब क्या करेंगे, नाइन्थ से किस पे जाएगा, वो नाइन्थ से वो सीधा जंप करेगा 5 पे। ठीक है, क्योंकि 4 स्टेप्स हो गए, और 5 से 6 और 7 वापस उल्टा, तो 2 स्टेप्स उसने यहाँ पे ऐसे ले लिए। अब वो है सेवन्थ पे, सेवन्थ से वो आगे जाएगा 3 पे, 3 पे, और 3 से वापस आ जाएगा दोबारा से 5 पे, तो 2 स्टेप्स यहाँ पे कंज्यूम हो गए। अब 5 से वो और 4 स्टेप्स जंप करेगा तो वो टॉप पर पहुंच जाएगा। तो कितने स्टेप्स हो गए फ्रेंड्स, 2 + 2 + 1, यानी कि हमारे पास हुए टोटल 5 स्टेप्स। तो 5 जंप्स में वो हमारा वापस टॉप पर पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो हमने इसको नॉर्मली सॉल्व किया है, इसके अंदर हमने किसी भी कंसेप्ट का जो हम अब तक इस चैप्टर में पढ़ते आए हैं उसका हमने कहीं पर यूज़ नहीं किया है, लेकिन ऑब्वियसली ये उसी चैप्टर के अंदर आता है तो कहीं ना कहीं उसका रिलेशन उससे होगा। तो देखते हैं कि कैसे एनसीईआरटी वाले हमें समझाना चाह रहे हैं कि इस व्यवहारिक मतलब कि नॉर्मल लाइफ में यूज़ होने वाली प्रॉब्लम को आप प्लस माइनस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी की सबसे ख़ास बात है, क्योंकि वो हमेशा ऐसी चीज़ें समझाते हैं जो आप रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब वो ये कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स, वो ये कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ स्टेप्स वो जो इतना नीचे गया है उसे नेगेटिव नंबर से मैं शो कर दूँ, यानी कि जब वो नीचे जा रहा था तो मैं उसे -3 से डिनोट करूँ, और जितना ऊपर जा रहा है उसे मैं प्लस से डिनोट करूँ, तो यहाँ पे जब 2 स्टेप्स ऊपर गया है तो वो +2 से डिनोट होगा by completing the following। तो represent his moves, तो उसके moves बताओ कि कैसे हुए part 1 और part 2 के। तो वो पूछ रहा है कि by completing the following, ये जो हमने इसको figure से solve किया है वो कह रहा है कि इसे आप number से solve करो, minus plus का use करके इसे आप solve कीजिए। तो ये भी possible है, देखते हैं कैसे। तो देखिए friends, जितनी बार वो नीचे गया हमने उसे -3 से डिनोट किया, जितनी बार ऊपर गया हमने उसे +2 से डिनोट किया।
ऐसे करते करते वो जो है, जितनी बार भी हमने यहाँ पर -3 स्टेप्स डाउन गया था, उतनी बार ही हमने यहाँ पे -3 को लिख लिया है। और जितनी बार भी ऊपर गया था उतनी बार ही हमने +2 लिख लिया। तो आप अगर इनको नंबर न्यूमेरिकली काउंट करें तो ये 1, 2, 3, 4 करके ये सारे आपको काउंट करने पर जितनी टर्म्स आई हैं, ये 11 टर्म्स हैं फ्रेंड्स। तो आप प्लस माइनस का यूज़ करके भी पहली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ये वो हमसे कहना चाह रहा है। तो अब हमने इसको लिख लिया है और माइनस प्लस, अब माइनस वालों को अलग ऐड कर देंगे और प्लस वालों को अलग ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, -18, और प्लस वालों को अलग ऐड करेंगे तो आएगा 10। तो -18 + 10 हुआ आपका -8। अब उसने क्या कहा था, उसने ये भी कहा है रिप्रेजेंट द मूव्स इन पार्ट बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, ए और बी, बी को भी आपने कंप्लीट करना है। तो बी वाले के अंदर हम क्या करेंगे, बी वाले के अंदर वो ऊपर जा रहा था पहले +4 और -2, तो इसके अंदर हमारे पास टर्म्स क्या रहेंगी, +4 और -2। तो देखते हैं कि इसकी टर्म्स कैसे बनती हैं। देखिए +4 -2 +4 -2, लास्ट वाला +4, तो इनको भी अगर आप देखें तो ये टोटल 5 टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि उसने 5 जम्स में कंप्लीट किया है। तो अब क्या करेंगे, 4 और 4 को ऐड करेंगे, तो 4 + 4 + 4 हुआ 12, और -2 - -2 हुआ -4, तो 12 - 4 नॉर्मल सब्ट्रैक्शन 8 आ गया। ठीक है, तो इससे हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं कि लास्ट में हमें फोर्थ पार्ट में क्या बोला है। फोर्थ पार्ट में बोला गया है कि आप कि अगर -8 से अगर आपका शो होता है, अगर -8 से आपका गोइंग डाउन शो होता है तो +8 से क्या शो होगा, ऑब्वियसली गोइंग अप। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात थी, इसके अंदर तो सिंपली हमें बस यही लिखना है कि 8 in B रिप्रेजेंट्स गोइंग अप बाय 8 स्टेप्स। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।